अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। तो आज छुट्टी थी यहाँ पे हैलोवीन की थी, आई थिंक 1 नवंबर को। तो स्कूल से भी छुट्टी थी और हस्बैंड को भी छुट्टी थी, तो फिर प्लान किया हमने जाने का बीच साइड पे। यहाँ पे जो यहाँ हम जा रहे हैं उस एरिया का नाम है बार्सिलोनेटा, तो वहाँ पे हम जा रहे थे। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन आए थे, मेट्रो का टिकट वगैरह एंटर करने के बाद, अगर थोड़ा सा आपको मेट्रो स्टेशन दिखाती हूँ। और हम जा रहे हैं लिफ्ट में अंडरग्राउंड मेट्रो की तरफ, और यहाँ पे आते ही थोड़ी देर बाद ही हमारी आ गई थी मेट्रो। तो काफ़ी दिन से मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को, हम 2-3 दफ़ा गए हैं लेकिन बीच साइड पर नहीं गए। तो वैसे हम समंदर के पास से हो के आ गए हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था हमारी मैग्नम जब हम गए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे होगी। तो वहाँ पे हम गए थे। तो ये जो जगह है ये बिल्कुल बीच साइड है, क्योंकि मैं ही अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं ना समंदर की रेत पे एक दफ़ा चल के देखूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ख्वाहिश आज पूरी हो गई। तो मेट्रो से निकलने के बाद जी हम आ गए हैं यहाँ पे अपनी मंजिल पे। ये भी सारा टूरिस्ट एरिया है, काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे। और आई धूप भी बड़ी कमाल की निकली हुई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चुभन महसूस हो रही थी। जैसे जैसे हम सी साइड के पास जा रहे थे वहाँ पे तो इतनी तेज़ हवा थी कि बिल्कुल मज़ा आ रहा था, धूप के साथ भी ना इन्जॉय कर रहे थे सब। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए होते हैं टूरिस्ट के लिए, जैसे कि लास्ट टाइम रमला भी मैं गई थी तो मैंने आपको दिखाए थे। तो ये ना लकड़ी की बनी हुई बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी। तो पहले तो मैं गुजर गई पास से, तो फिर मैं वापस आई, मैंने कहा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ। तो कुछ रश भी आज बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बताया हैलोवीन की छुट्टी थी, पूरे स्पेन में ही छुट्टी थी, तो इसकी वजह से आज बहुत ज़्यादा रश था, हर जगह पे बहुत ज़्यादा रश था, मेट्रो में भी और यहाँ पे भी बीच साइड पे भी। तो ये छोटे छोटे स्टॉल्स थे जो मैंने आपको दिखा रही हूँ। मैं हाइकर जो है ना वो पिज़्ज़ा के देख के तो बड़ी खुश हो रही थी, तो हम ये कहते कि ये हमने नहीं खाना, ये जूस था। तो यहाँ पे खड़े होकर हम सोच रहे थे कि हम जूस पिएं या फिर क्या करें। तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि थोड़ा सा खट्टा होगा, तो फिर हमने छोड़ दिया बच्चों के लिए। ये है जी ऑलिव है आई थिंक, नहीं शहद है, सॉरी ये शहद है, बिल्कुल खालिस ताज़ा शहद अगर आपको लेनी हो तो यहाँ पे। ये वही मैंने आपको बताया टूरिस्ट के लिए स्टॉल्स लगे हुए होते हैं यहाँ पे। तो ये जैतून है ऑलिव, ये भी इसी तरह है, बिल्कुल प्योर ऑलिव ऑयल है, बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये कॉकटेल्स हैं, अगर आपको भूख वगैरह लगी हो तो आप ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स थे। और सॉरी माजरत, मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि मैं बड़ी सोच समझ के वीडियोस बनाऊं, लेकिन फिर भी ना अगर कोई ऐसी वैसी चीज़ आपको वीडियो में नज़र आए तो मेरी तरफ से माजरत, क्योंकि जितनी भी एडिटिंग कर लें ज़ाहिर है जिस जगह पर हम मौजूद हैं तो ये सब तो फिर होगा। तो कोशिश करने के बावजूद भी बहुत सारी ना ऐसी चीज़ें नज़र आ ही जाती हैं। ये था जी ड्राई फ्रूट का था, रोस्टेड थे ड्राई फ्रूट, कैरमलाइज्ड थे ये। तो हम सोचे थे ये सूरजमुखी के फूल बीज थे और बादाम थे रोस्टेड, तो फिर हमने बादाम प्रेफर किए क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमने वो नहीं खाने, तो फिर हमने रोस्टेड बादाम लिए थे। तो मज़े के थे ये भी, इस स्टॉल से हमने ये लिया था ताकि चलते फिरते ज़रा बच्चे मुँह में डालते रहें, क्योंकि तलहा को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हमें इंतज़ाम करना पड़ता। तो ये केक पेस्ट्रीज वगैरह थी, इसी तरह मतलब सब यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा मौसम था, धूप थी लेकिन इतनी तेज़ नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। तो पाकिस्तान की नस्बत यहाँ पे अब काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी, दिन में अगर हल्की हल्की धूप निकले भी तो मज़ा आता है। तो ये वाइन का स्टॉल है, पहले मैं यहाँ से गुजर गई थी, फिर मैं वापस आई तो मैं पूछी थी, फिर मुझे जब ग्रेप्स नज़र आए तो फिर मैंने खुद ही गैस कर लिया, मैंने कहा ये वाइन का होगा। तो जी बस जी स्टॉल्स हो गए हैं ख़त्म। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे मतलब ये अपोजिट साइड पे आ जाती हैं, एक साइड पे जब मैंने आपको शिप्स दिखाए थे जब हमारी मैग्नम गए थे तो वहाँ पे भी इसी तरह शिप्स खड़े थे, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था यहाँ पे ये व्यू के हमने फिर खड़े होकर अच्छी सी तस्वीरें हमने यहाँ पे बनवाई। और आसमान आप देख सकते हैं कितना साफ और खूबसूरत लग रहा है, बड़ी अच्छी जगह थी, मुझे बहुत पसंद आई। हम यही कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर आएंगे यहाँ पे हम घूमने। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पे बच्चों की तस्वीरें वगैरह बनाई। फिर हम आगे बीच साइड पे चलते चलते
ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना सकी, रीज़न बस यही है कि ज़ाहिर आपको पता है कि कुछ चीज़ें हम नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे जी ये बना हुआ था सेंट आर्ट है, यहाँ पे ये मेरा हाल है बना हुआ है ड्रैगन, और फिर आ गया है तो ये छोटा सा कैसल बना हुआ था, तो उसकी फिर हाई के नीचे उतर गई थी, कहते मैं जाके हाथ लगाऊं, मैं कहा नहीं तुम हाथ लगाओगे तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। तो जी ये देखें जी हम आ गए हैं बीच साइड पे, और आप यकीन करें मुझे इतना शौक़ था कि मैं बता नहीं सकती। तो आज ना मेरी बड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हर दफ़ा अपने हस्बैंड को कहती थी तो वो मुझे समंदर के दूसरी साइड पे लेके जा कहते थे ये समंदर, तो मैं ये कहती थी मुझे ये वाला समंदर नहीं चाहिए, मुझे जहाँ पे रेत पे चलते हैं वो वाला समंदर चाहिए, मैंने वहाँ पे चलना है। तो ये जी देखें बस बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली दफ़ा तो डर लग रहा था क्योंकि जो लहरें थीं वो बहुत प्रेशर के साथ आ रही थी, और बैलेंस जो है ना पहली दफ़ा तो मेरा बिल्कुल ही हो गया था ख़त्म। तो लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आ रहा था, फिर हम काफ़ी देर यहाँ पर इंजॉय करते रहे। और मेरे हस्बैंड यही हंस रहे थे कि वो तो पीछे खड़े थे, तो सबसे पहले मैंने बोला कि मैं आगे जाती हूँ, और मेरे बच्चों ने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया। मैं बस बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने इतनी दूर खड़ी हूँ, और अभी भी मैंने वॉइस बंद की हुई है, मेरे बच्चों ने चीखे मार मार के कि मामा आप वापस आ जाएँ। मैं हंस रही थी, मैं कहा मैं खुदकुशी करने बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, बस थोड़ा सा इंजॉय कर लूँ, लेकिन उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया। बस हम यहीं पर खड़े थे फिर, और बस यहीं पे खड़े होकर फिर समंदर देखा, बहुत अच्छा लगा। और बाकी का व्यू मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकती क्योंकि आप खुद गैस कर सकते हैं कि आज धूप भी निकली हुई है और फिर बीच भी हो, तो बस अन्नी मची हुई थी। तो इस वजह से फिर मैंने बिल्कुल भी इधर उधर की वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हमें एक साफ़ सुथरा किनारा मिला था जहाँ पर हम थोड़ी सी कोई पिक्चर वीडियो बना सकते थे, इधर उधर तो बिल्कुल भी कोई हाल नहीं था। तो बस इसी तरह हमने समंदर को देखा, माशाल्लाह जी अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है, मैंने आज मतलब लाइव अपनी आंखों से समंदर को देखा तो बड़ा अच्छा महसूस हुआ। माशाल्लाह पानी का रंग हो गया, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था सब कुछ। तो जी अब जा रही है हाइक का, क्योंकि पहले तो स्टार्ट में बहुत डर रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे भी नहीं जाने दे रही थी। तो तलहा तो भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मेरी टांग पकड़ी हुई और एक हाथ से हाथ पकड़ा हुआ है कि आपने नहीं जाना। तो फिर हाइक का उसके बाबा को मैंने बोला कम से कम आप लोग तो जाएँ, तो फिर जी वो गए और यहाँ पर वो पिक्चर का इंतज़ार कर रहे हैं, साथ साथ मैं उनकी पिक्चर्स बना रही थी और साथ मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। और मेरा इतना दिल चाह रहा था ना कि मैं जाके वहाँ पर खड़ी हूँ, लेकिन बस तलहा ने एंड तक मुझे नहीं जाने दिया। बस वो स्टार्ट में जो थोड़ी देर मैं खड़ी हुई थी तो उसके बाद तलहा ने बस मेरा बाजू पकड़ लिया कि मामा चली जाएंगी। हम हंस रहे थे कि बाबा को उसने बिल्कुल नहीं रोका, ना हाइका को, कि उसने कहा आप लोग जाएं लेकिन मामा नहीं जाएंगी। तो बस मैं उसके साथ ही खड़ी रही। तो इंशाल्लाह फिर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे, तो फिर ये क्या हो सकता है उसकी थोड़ी सी, क्योंकि शोर भी बहुत ज़्यादा था लहरों का और ना मतलब काफ़ी ज़्यादा वो फ़र्स्ट टाइम काफ़ी डर भी लगता है, क्योंकि मैंने बताया फ़र्स्ट टाइम जब मैं पानी में खड़ी हुई तो इतनी तेज़ वेव्स थी कि बिल्कुल बैलेंस भी नहीं हो रहा था। तो ये कि अब हाइका एंजॉय कर रही है, काफ़ी पिक्चर्स वगैरह उसने बनवाई अपने बाबा के साथ, और बच्चे उनके बच्चे तो इस तरह थे बिल्कुल जिस तरह उनके लिए आम सी बात है, काफ़ी आगे तक वो लोग इंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमारा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था एक्सपीरियंस तो हम सिर्फ यहाँ पर शोर तक ही रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आए तो फिर आगे भी जाएंगे। तो उसके बाद हमें लगी थी भूख, हम खाने चले गए थे पिज़्ज़ा और हमने एंजॉय किया अपना इटालियन पिज़्ज़ा, काफ़ी स्पाइसी था और मज़े का था। तो इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो को करती हूँ ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे फिर किसी मज़े की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।